आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला प्रश्न ले रहा हूं, 0.00007 3 5, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। 7 3 5, अभी हम क्या करेंगे कि इस दशमलव को हम इधर ले आएंगे 5 के बाद। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बटा में 1 पर हमें शून्य देने होंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात दशमलव को जब हम दाहिनी ओर लाते हैं, 7 अंक दाहिनी ओर लाते हैं, तो हमें भाग देना होगा 1 पर 7 शून्य से, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 735 बटा, यहां 1 पर 7 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, 10 का घात 7। पुनः 735 को हम लिख सकते हैं 7.35 गुना 100, और ये 10 का घात 7 है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 1 बटा 10 का घात 7। बराबर 7.35, और ये जो 100 है इसे हम लिख सकते हैं 10 का घात 2, और 1 बटा 10 का घात 7, तो इस नियम को देखें तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 10 का घात -7 बराबर 7.35 गुना। अब ये देख रहे हैं कि यहां भी ये आधार 10 है, ये भी आधार 10 है, और इनका गुना हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनका घात जुड़ जाता है, तो 10 का घात 2 जोड़ -7, तो 7.35 गुना 10 का घात, ये 2 और -7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -5। तो हमारी जो दी गई संख्या थी उसका ये मानक रूप आ गया 7.35 गुने 10 का घात -5। प्रश्न संख्या 2, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अभी प्रश्न नंबर 1 में हमने देखा था कि दी गई संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना था, ये ठीक उससे उल्टी प्रक्रिया है। मानक रूप में दिए हुए हैं ये सारे संख्याएं, हमारे मानक रूप में हैं, इन्हें हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो मैं इसका पहला प्रश्न लेता हूं, 3.065 गुना 10 का घात -5, इसे सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो इसे हम कैसे करते हैं, देखिए 3.065 गुना, ये 10 का घात -5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 का घात 5, अर्थात ये हो गया 3.065 बटा 1 पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे कि भाग दे रहे हैं हम इससे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख से, तो हम इस स्थिति में देखते हैं कि इस दशमलव को हम बाईं ओर उतने अंक ले जाते हैं जितने, उतने स्थान तक ले जाते हैं जितने शून्य हैं। तो यहां पर शून्य हमारे हैं 1 2 3 4 5, तो हम इस दशमलव को 5 अंक बाईं ओर लाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 3 0 6 5,
यहां पर दशमलव था, इस दशमलव को हम उठा के ला रहे हैं पांच अंक, तो यहां से गिनते हैं एक दो तीन चार पांच, ये दशमलव आ गया। और इसके बाद इधर कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो ये शून्य, तो ये हमारा सामान्य रूप आ गया, शून्य दशमलव शून्य 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 तीन शून्य छ पांच। प्रश्न संख्या तीन, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, ए नंबर, यह है 1673 और बटा है, बटा में है एक पर 27 शून्य है, तो आइए इसे हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1673 बटा 10 पर घात 27, और इसे पुनः हम लिख सकते हैं 1673 गुना 10 का घात माइनस 27। अब इसे हम मानक रूप में और फिर इस तरह से 1673 को लिखेंगे 1.673 गुना 1000। आप देखें कि दशमलव पहले यहां अंत में था, यहां नहीं दिख रहा है लेकिन अंत में होता है, तो फिर इधर हमें दशमलव लाना है मानक रूप बनाने के लिए तीन अंक बाई ओर, तो तीन अंक बाई ओर लाएं तो हमें 1000 से गुना करना होगा, और ये है उसके बाद 10 का घात माइनस 27। ये 1.673 और इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 3 और गुना 10 का घात माइनस 27। यहां एक चीज हम देख रहे हैं कि ये आधार 10 है, यहां भी आधार 10 है और ये गुना हो रहा है, ऐसे स्थिति में इनके घात जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.673 गुना 10 का घात 3 10 का घात 3 जोड़ माइनस 27, अर्थात ये हो गया 1.673 गुना 10 का घात माइनस 24। तीन तीन में माइनस 27 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 24, तो ये हमारा मानक रूप आ गया। ठीक इसी तरह से बाकी अन्य प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या चार, कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए। आइए इसे हल करते हैं। तो ये दिया हुआ है दूरी हमारा 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, इसे हमें मानक संकेतन में व्यक्त करना है और साथ ही मीटर में लिखना है, तो पहले हम इसे मीटर में बदलते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं इसे 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हमने मीटर में बदल दिया, 1000 से गुना कर दिया, तो ये कितने हुए, यहां तीन शून्य है और यहां तीन शून्य है, यानी छह शून्य हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 15 गुना 10 का घात 6, है ना, लेकिन ये अभी मानक रूप नहीं हुआ है, तो मानक रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहां दशमलव बैठाना होगा, तो जब हम 15 को हम इस तरह से लिखेंगे 1.5 गुना 10, 1.5 गुना 10 करेंगे तो ये 15 होगा,
और यहां पहले से 10 का घात 6 है। इस 10 का घात कितना है? एक है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक है। अब देख रहे हैं कि यहां दो आधार 10 है, ये भी आधार 10 है, इनका गुना हो रहा है, तो घातांक के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि इनका घात जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 गुना 10 का घात 1 और 6 7 मीटर। ये हमारा मानक रूप में आ गया और मीटर में भी है। प्रश्न संख्या 5, 345 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न में जो कहा गया है 345 को हमें भाग देना है, चलिए भाग देते हैं। एक पर कितने शून्य है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 345/ 1 पर 6 शून्य है तो हम 10 का घात 6 लिखेंगे इसे। अर्थात ये हो गया 345 गुना 10 का घात -6। चूंकि बटा में 10 का घात 6 है तो जब हम इसको ऊपर लिखेंगे अंश में तो ये -6 हो जाएगा, लेकिन ये मानक रूप में तो अभी नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, 3.45, इसे हम 345 को लिख रहे हैं, 3.45 गुना 100। अगर इसे हम गुना करेंगे तो ये 345 आएगा, गुना 10 का घात -6 बराबर 3.45 गुना, इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2 गुना 10 का घात -6 बराबर 3.45 गुना 10 का घात, देख रहे हैं ये दोनों आधार 10 है तो इनका घात जुड़ जाएगा, और 2 जोड़ -6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4। तो ये हमारा मानक रूप में आ गया। प्रश्न संख्या 6, ग्रह ए पृथ्वी से 9.35 गुना 10 का घात 6 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से 6.27 गुना 10 का घात 7 मीटर की दूरी पर, कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है? आइए इसे हल करते हैं, देखते हैं कौन सा ग्रह पृथ वी से अधिक निकट है। तो एक एक करके लेते हैं दूरी को। पहला, ग्रह ए से पृथ्वी की दूरी ये कितनी है? 9.35 गुने 10 का घात 6 किलोमीटर। अब ग्रह बी से पृथ्वी की दूरी ये कितनी दी हुई है? 6.27 गुने 10 का घात 7 मीटर। इन दोनों में तुलना करना है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। तुलना करने के लिए किसी एक इकाई में हमें दोनों को रखना होगा, तो आइए इस मीटर वाले को हम किलोमीटर में बदलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा, 6.27/1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, गुना 10 का घात 7। तो ये हो गया 6.27/10 का घात 3 और यहां ऊपर में गुना 10 का घात 7। तो ये हमारा आ गया 6.27 गुना, ये 10 का घात 3 है बटा में, तो इसे हम लिखेंगे 10 का घात -3 गुना 10 का घात 7। तो ये कितना हो जाएगा, 6.27 गुना, ये 10 है, ये भी आधार 10 है, दोनों आधार 10 है तो इसके घात जुड़ जाएंगे चूंकि गुना हो रहा है,
यहां 10 का घात माइनस 3 और 7 को जोड़ेंगे, तो माइनस 3 जोड़ 7 है ना, सॉरी 7, ये 4 लिख दिया हम थोड़ा सा, जोड़ 7, माइनस 3 जोड़ 7, तो ये कितना हो जाएगा, 6.27 गुना 10 का घात 4, माइनस 3 जोड़ 7, 10 का घात 4, ये हो गया किलोमीटर, ये किलोमीटर हो गया। अब हम दोनों में तुलना कर सकते हैं, ये ग्रह ए से पृथ्वी की दूरी इतनी किलोमीटर है और ये इतने किलोमीटर है, यहां हम देख रहे हैं कि ये 10 का घात 6 है तो ये बड़ी संख्या होगी, ये 10 का घात 4 है तो ये छोटी संख्या है, तो इसका मतलब है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है, ग्रह बी, इसलिए ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है।